हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृति किचन। तो फ्रेंड्स, आज हमने पालक पनीर बनाया है। ये पालक पनीर बिल्कुल अलग स्टाइल से बना हुआ है और अलग ही टेस्ट में है। बिल्कुल ढाबे जैसा टेस्ट आता है पनीर में, ढाबे का जो पनीर होता है या रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो कुछ अलग टाइप से बनाया है। इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और ज़रूर पूरी ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसमें क्या क्या अलग स्टाइल अपनाई है और किस टाइप से मैंने मेथड की है इसकी। तो एक बार ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने पालक ले ली है। ये पालक 250 ग्राम पालक है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, पालक के पत्तों को, और अब हम इनको सबसे पहले बॉईल करेंगे। तो अब आगे हमें क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि हम पालक को बॉईल कर लेते, तो मैंने एक पतीला लिया है छोटा सा, उसमें इसको हम पालक को डाल देते हैं। पानी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था, तो पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पालक डाल दूंगी मेरी पूरी इसमें, और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे हम पालक को। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, सिर्फ एक बार उबाल आने तक रखना है और उसके बाद पालक को हम निकाल लें। तो ये हमारी पालक बॉईल हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। मैंने आपसे कहा था ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस एक ही बॉईल आने देना है, और इस टाइप से पालक को निकाल के मिक्सर में पीस लेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो ये हमने पालक पीस ली है और पालक पीस कर पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बनाते समय बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही डालना है ऑयल, क्योंकि हमें आगे क्या करना है। ये देखिए, ये हमने ऑयल डाल लिया है। अब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो पनीर लिया है, हमने 250 ग्राम पालक ली थी, उसके साथ हमने 200 ग्राम लगभग पनीर लिया है, तो थोड़ा सा पनीर हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जो हमने ऑयल गर्म किया है इसमें, हमें डायरेक्ट पनीर पालक में नहीं डालना, थोड़ा सा फ्राई करना है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पनीर डालूंगी इस टाइप से और इसको फ्राई करूंगी। हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस एक बार डालकर उसको पलट कर निकाल लें। ये पनीर फ्राई हो चुका है, ये आप देख रहे हैं, इस टाइप से हम इसको निकाल लेंगे बाहर। इस टाइप से ही फ्राई करना है पनीर को, ज्यादा रेड नहीं करना है, वाइटनेस रहने देना है। ये देखिए आप, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मैंने जिस कढ़ाई में पनीर फ्राई किया था, मैं उसी में अब पनीर बनाने जा रही हूँ। मैंने वही ऑयल ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल कम कर लिया है। तो आगे की प्रोसेस देखिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है ध्यान से देखिएगा। ऑयल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले मैं 1 टीस्पून जीरा ले लिया है मैंने, तो मैं जीरा डाल देती हूँ, और 2 तेज पत्ते लिए हैं, ये तेज पत्ते डाल दिए हैं, और 2 रेड मिर्च ली है मैंने तड़के के लिए, वो भी डाल दी है, और 2-3 लौंग और 1 हरी इलायची ली है, वो भी ऐड कर देते हैं हम। इनको अच्छे से चला लेते हैं और 1 पिंच हम इसमें हींग डाल देते हैं। ये फ्राई हो चुकी है सभी। अब हम इसमें, मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले ही डाल दिया है, अच्छे से फ्राई कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा भुन जाने देते हैं। अब इसमें हम बारीक चॉप्ड प्याज डाल देते हैं, हमने जो बारीक चॉप्ड कर ली थी उसको डाल देते हैं, 2 प्याज चॉप्ड की थी मैंने। और इनको हम अच्छे से भून लेते हैं रेड होने तक।
ये जो मैंने आपको खड़े मसाले बताए हैं, साबुत मसाले, ये जरूर डालिएगा। इससे हमारा जो पालक पनीर है उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये कुछ डिफरेंट तरीके से रेसिपी बना रही हूँ मैं। मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो डाले हैं वो सभी लोग नहीं डालते हैं, तो आप इस बार ऐसी बनाकर ज़रूर देखिए। और मैंने पनीर को भी फ्राई करके इसमें डालूंगी, तो ये भी कुछ डिफरेंट है। इसको हम अच्छे से भून ले रहे हैं प्याज को। ये आप देख रहे हैं कि हम ये प्याज अच्छे से भून गई है। अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या क्या मसाले ऐड करना है। मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, और ये मैंने हरा ये धनिया लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर, तो ये मैं 2 टीस्पून ले लेती हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले को। और 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने ये 2 टमाटर पीस लिए थे, टमाटर प्यूरी बना ली थी, ये टमाटर प्यूरी ऐड कर देते हैं हम इसमें और इसको अच्छे से चला के भून लेते हैं सभी मसाले को और टमाटर प्यूरी को मिलाकर। अब ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, आप देख रहे हैं मसाले ने साइड में ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो पालक की प्यूरी बनाई थी, पालक पीसा था जो हमने, हम वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे। ग्रेवी आपको जैसी रेडी करनी हो आप उस टाइप से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, अब हम इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे ढक कर। और उससे पहले इसमें हमें एक मसाला और डालना है, ये हमें गरम मसाला ऐड करना है। तो मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट लगभग अच्छे से पका लेंगे हम पालक को। तो आप ये देख रहे हैं कि पालक पक चुका है, 5 से 10 मिनट लगभग हो गए हैं, अच्छे से पक चुका है, बॉयल हो गया है। अब मैंने अभी गैस का फ्लेम बंद नहीं किया है, हमें भी इसमें एक चीज़ और ऐड करना है। मैंने ये कुछ मलाई ले ली है, ये मान के चलिए 2 टेबल स्पून मैंने मलाई ली है, ये इसमें डाल देती हूँ मैं और डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। ये मैंने ताज़ी मलाई ली है दूध वाली, इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से और 2-1 मिनट लगभग और इसको अच्छे से हम चला के पका लेते हैं मलाई के साथ पालक को। ये आप देख रहे हैं कि लगभग 2 मिनट हो गया है पालक को पकाते पकाते। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। ये पनीर हमने फ्राई कर लिया था, ये इस टाइप से पीसेस हो गए हैं पनीर के। ये पनीर भी मेरा घर का बना हुआ है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ और इसको पनीर को डाल के लगभग 1 से 2 मिनट और हम अच्छे से चला लेंगे। पनीर डालने के बाद फ्रेंड्स, ये जो मैंने रेसिपी बताई है पालक पनीर की, ये कुछ डिफरेंट तरीके से है और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले हैं वो कुछ अलग हैं। और पनीर को मैंने कैसे करके बताया वो भी देखा है आपने, तो आप एक इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स। और मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा पालक पनीर बनकर रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा पालक पनीर बनकर रेडी हो गया है, खाने के लिए तैयार है, बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं आप। तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर से पनीर से गार्निश कर दिया है, आप भी इस टाइप से कर सकते हैं, देखिएगा। और एक बार जरूर बना के देखिए मेरी रेसिपी को, बहुत टेस्टी बना हुआ है।